हेलो, दिस इज शंकर एंड यू वाचिंग कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के मई जून में होने वाले ऑफलाइन एग्जाम को लेकर जो है ऑफिशियल गाइडलाइन जो है रिलीज कर दिया गया है कि आपको एग्जाम देते समय जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ में आपका एग्जाम जो है कितने घंटे का लिया जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कही गई है। तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। चाहे आप DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NCVF के छात्र हो, या फिर जो है स्कूल ऑफ लर्निंग के छात्र हो, सभी के लिए ये जो है नोटिफिकेशन है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर और जिन छात्रों का बैक है या फिर जो छात्र रिपीट कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये जो है गाइडलाइन जो है रिलीज किया गया है। जिनका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो ये जो है नोटिफिकेशन जो है या फिर गाइडलाइन जो है एग्जामिनेशन वेबसाइट जो कि exam.du.ac.in, इस पर रिलीज किया गया है। तो इसको जो हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें जो है क्या क्या कहा गया है और किन किन बातों का आपको जो है ध्यान रखना है एग्जाम देते समय। तो दोस्तों, ये जो है देख सकते हो, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न स्टूडेंट द एग्जामिनेशन फॉर 2nd, 4th, 6th, 8th सेमेस्टर एंड पार्ट 1st, 2nd, 3rd अंडर ग्रेजुएट एनुअल मोड फॉर द अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट PG प्रोफेशनल प्रोग्राम इंक्लूडिंग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एस वेल एंड नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड NCVF अलॉन्ग विद एसेंशियल रिपीटर्स इम्प्रूवमेंट एंड EX स्टूडेंट फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 हैज स्टार्टेड फॉर। यानी कि आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर का हो, 4th सेमेस्टर का हो, 6th सेमेस्टर का हो, या फिर जो है 8th सेमेस्टर के जो रिपीट छात्र हैं, या फिर जो एनुअल मोड के छात्र हैं 1st, 2nd और 3rd ईयर के, तो उनके एग्जाम जो है UG और PG के जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो उसी को लेकर जो है ये गाइडलाइंस रिलीज किया गया है, तो है जो कि 9 तारीख को जो है रिलीज किया गया था। दिस एग्जामिनेशन आर बियंग कंडक्ट इन फिजिकल मोड फॉर ऑल द UG एंड PG प्रोफेशनल प्रोग्राम एंड स्ट्रीम बाय। यानी कि ये जो है COVID-19 को देखते हुए जो है ये गाइडलाइन जो है रिलीज किया गया है DDMA और साथ में जो है MHA, MOH, FW एंड UGC की तरफ से जो है ये गाइडलाइन जो है। तो इसको जो हम पूरा पढ़ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या कहा गया है। द एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आर बिगैन कंडक्ट इन 2 सेशन इन ए डे। यानी कि आपका एग्जाम जो है, चाहे वो UG का हो या फिर जो है PG का, ऑफलाइन मोड में जो है 2 सेशन में जो है आपको एक दिन में जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। UG PG प्रोफेशनल प्रोग्राम इन 3 आवर एंड एडिशनल 30 मिनट। यानी कि ये जो है 3 घंटे का एग्जाम होगा और आपको जो है एडिशनल जो है 30 मिनट का जो है आपको इसमें जो है समय मिलेगा। स्पेसिफिक वन टाइम मिस्योर द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द फॉर PWBD स्टूडेंट इज द 4 आवर एंड 14 मिनट विद द इंक्लूडिंग एडिशनल 14 मिनट एज ए स्पेशल वन टाइम मिस्योर एंड एक्स्ट्रा टाइम ऑफ द 20 मिनट्स पर आवर। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो PBWD स्टूडेंट है उनके लिए जो है 4 घंटे और 40 मिनट का जो है एक्स्ट्रा टाइम मिला है, और हर एक घंटे में जो है उन्हें 20 मिनट का जो है एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो उसी को लेकर यहाँ पे कहा गया है। और ये जो है इसके बाद जो ये कहा गया है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आर एडवाइज टू ब्रिंग पर्सनल हैंड सैनिटाइजर बोटल 50 एंड 100 ml एंड वाटर बोटल अलॉन्ग विद दैम इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड फॉलो COVID-19 गाइडलाइंस इशू बाय DDMA, MHA, MOH, FW एंड UGC इंक्लूडिंग मेकिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि आपको जो है COVID-19 का ध्यान रखते हुए, गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए जो है आपको जो है एक सैनिटाइजर का बोतल होना चाहिए, पानी का बोतल आपको जो है खुद ले जाना है। तो यही कहा गया है इसमें, ताकि जो है COVID-19 का जो है ध्यान रखा जाए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी रिलेटेड विद द क्वायरी विद द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ द कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टी इंस्टीट्यूट कंसर्न स्टूडेंट आल्सो कंडक्ट द। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि आपका कोई इमरजेंसी होता है, कोई डाउट्स होता है, कोई क्वायरीज है रिलेटेड है, तो आप जो है अपने नोडल ऑफिसर को जो है संपर्क कर सकते हो, या फिर जो है अपने डिपार्टमेंट या फिर जो है कॉलेज इनसे जो है संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर भी जो है दिया हुआ है एग्जामिनेशन ब्रांच का, तो इस पर भी जो है आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भी कोई सवाल है तो यहाँ पे जो है नीचे भी जो है एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो इस पर भी जो है कोई भी क्वायरी या कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। तो यही जो है गाइडलाइंस था, जो कि आपको जो है ऑलरेडी हमने जो है पूरे डिटेल में समझा दिया, और ये जो है सभी के लिए गाइडलाइंस है, चाहे आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NCVF के छात्र हो, या फिर जो है स्कूल ऑफ लर्निंग के छात्र हो, जिनका एग्जाम स्टार्ट हो गया है उनके लिए भी, और जिनका होने वाला है उनके लिए भी है।
तो इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी और भी कोई सवाल है तो डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।